क्लास 8 अध्याय 7 संख्या किसी वस्तु व्यक्ति स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, संसद भवन, दिल्ली, लाल किला विशिष्ट स्थानों के नाम हैं। सैनिक, किसान विशेष वर्ग अथवा जाति के सूचक है। हरियाली गुण का नाम है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नेहा, सोनम, नितिन, पलक, महाभारत, सूरसागर, कामायनी, चंडीगढ़, लुधियाना, मेरठ आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पुस्तक, पर्वत, लड़की, स्त्री, राज्य, पुरुष, नगर, देश आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे तेल, दूध, जल, घी, पीतल, तांबा, कोयला, चावल आदि। समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा द्वारा किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कच्छ, सेना, भीड़, दल, परिवार, झुंड, समिति, होली आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, किसी गुण, दशा, स्थिति अथवा भाव विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मधुरता, चौड़ाई, लंबाई, तीव्रता, अमीरी आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, कुछ शब्द अपनी मूल प्रकृति से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, परंतु ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें दूसरे प्रकार के शब्दों द्वारा बनाया जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के विकारों शब्दों द्वारा अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे नर से नरत्व, अतिथि से आतिथ्य, पशु से पशुत्व, सर्वनाम से आप से आपा, तेरा से तेरापन, अपना से अपनत्व, विशेषण से अजर से अजरता, आलसी से आलस्य, कमजोर से कमजोरी। क्रियापद से भाववाचक संज्ञा, कमाना से कमाई, खोजना से खोज, गिनना से गिनती, घबराना से घबराहट, काटना से कटाई। अव्ययों से ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, नीचे से निचाई। एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग, कई बार जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर दिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है कि वह नाम व्यक्ति विशेष का ना होकर जाति शब्द का बन जाता है। जैसे आज हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग,
कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान के विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। वे जाति का बोध ना कराकर केवल एक व्यक्ति अथवा स्थान विशेष का बोध कराते हैं। जैसे महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का उपयोग एक वचन में होता है, परंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ऊंचाई का ऊंचाइयां, दूरी का दूरियां।